हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर कोऑर्डिनेशन न्यूरल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये आप अपनी एनसीईआरटी खोलना और उसके अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है। सो उस पैराग्राफ को रीड करना, मैं आपको रीड करके एक बार मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे, ये टेबल को पढ़ेंगे। ये इस टेबल के अंदर जो मैंने यहाँ पर हॉर्मोन्स लिख रखे हैं और उनका फंक्शन लिख रखा है कि वो क्या एक्शन करते हैं। ये बात वैसे तो डाइजेशन में लोग पढ़ा देते हैं, बट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, क्लास 11 का लास्ट चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, उसके अंदर भी इसका जिक्र होता है। बट अगर हम इसको यहीं पढ़ लेते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड है, तो फिर वहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको वो एनसीईआरटी की लाइनें डायरेक्टली पढ़ के सुना देता हूँ। देखो सुनो, द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हॉर्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब जीआईटी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हार्मोनल और न्यूरल कंट्रोल से रेगुलेटेड, मतलब हार्मोन्स भी काम करते हैं और नर्वस सिस्टम भी काम करता है, दोनों का कोऑर्डिनेटेड वे है। अब द साइट, स्मेल और इवन द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिम्युलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का सिक मुंह में पानी आना, अगर हमें खाना दिख भी जाए, खुशबू आ जाए, तो मुंह में पानी आ जाता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिम्युलेटेड बाई न्यूरल सिग्नल। अब जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन में और स्टमक में जो सिक्रीशंस होते हैं, वो भी इसी तरीके से नर्वस सिस्टम न्यूरल सिग्नल से कंट्रोल्ड होते हैं। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाई न्यूरल मैकेनिज्म। अब जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, पैरास्टिल्सिस, चर्निंग मूवमेंट, वो भी न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल मैकेनिज्म से होती हैं। अब ये बोथ थ्रू लोकल एंड सीएनएस, दोनों दोनों तरीके से, मतलब जो लोकल नर्वस सिस्टम है वो भी काम करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसमें अपना पार्ट देता है, काम करता है। हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरियड आउट बाय लोकल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। अब ये तो बात हो गई नर्वस सिस्टम की, बट हॉर्मोनल जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है? जो जो गैस्ट्रिक या फिर जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा लोकल हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस करती है ना, उनके थ्रू होता है। जैसे ये सारे लोकल हॉर्मोन्स ही हैं, जैसे सबसे पहले गैस्ट्रिन है। अब तुम्हें पता है ना गैस्ट्रिन कौन सिक्रीट करता है? जी सेल सिक्रीट करती हैं। हमने जब स्मक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था वहाँ पे एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स या फिर एंटेरो क्रोमाफिन सेल्स, तो वो जो सेल्स थी वहाँ पर, सिक्रीटिंग सेल्स थी, सो वो उन डिफ्रेंशिएट हो रही थी जी सेल में, डी सेल में और ई सी एल सेल में। तो वहाँ पर जो जी सेल्स थी वो गैस्ट्रिन सिक्रीट कर रही थी, डी सेल सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट कर रही थी। याद आ रहा है ना? नहीं याद है तो देखो एक बार फिर समझो, रिवाइज करो। सो ये गैस्ट्रिन है। अब गैस्ट्रिन क्या करता है? नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करता होगा। ये सिक्रीटरी सेल्स के पास जाता है, मसल्स ऑफ स्टमक के पास जाता है। ये इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं, एक्शन या फिर टारगेट। सो दीज आर द इसके टारगेट हैं ये। और ये क्या करवाता है गैस्ट्रिन? ये एचसीएल का सिक्रीशन करवाता है और स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टिमुलेट कराता है ये। सुन लो, देन नेक्स्ट हॉर्मोन इज कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है और क्या कराता है? गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, उसमें जो बाइल जूस स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाएगा। सो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? इनडायरेक्टली बाइल जूस को रिलीज करवाता है गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन से। गैस्ट्रिन क्या कराता है? पता चल गया, सिक्रीटिन। अब सिक्रीटिन क्या कराता है? ये वाटर और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन कराता है पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन करवाता है। ओके, देन जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, देख पा रहे हो चौथे नंबर पर, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या काम करता है? ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे एक्ट करता है, मसल्स पे एक्ट करता है, और ये इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी पेप्टाइड है ना, तो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो रहे हैं उनको इनहिबिट करता है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को यानी चर्निंग मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस को इनहिबिट करता है, मस्कुलर मूवमेंट्स को इनहिबिट करता है, मसल्स पर एक्ट करता है।
देन नेक्स्ट हॉर्मोन इज ड्यूक्राइनिन। ड्यूक्राइनिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती है, एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करती है, तो इट स्टिमुलेट ब्रूनर्स ग्लैंड टू सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस। स्टिमुलेट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड को एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करने के लिए, ये सुनो। देन मेरे भाई एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन, ये एंटेरोक्राइनिन क्या करता है, डियोक्राइनिन क्या कर रहा था, ब्रूनर्स ग्लैंड। एंटेरोक्राइनिन स्टिमुलेट पैनीथ सेल्स फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टिनल जूस। याद है ना, पैनीथ सेल प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, तो उनको ये एंजाइमेटिक पार्ट सिक्रीट करवाने के लिए स्टिमुलेट करता है, जो इंटेस्टिनल जूस है ना उसका एंजाइमेटिक पार्ट सिक्रीट करवाने के लिए मजबूर करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट पैनी सेल फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टिनल जूस, इट इज एंटेरोक्राइनिन। विलिकाइनिन नाम से समझ में आ रहा है, विलिकाइनेसिस यानी मूवमेंट, यानी ये विलाई की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। देन नेक्स्ट हॉर्मोन इज वेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। वेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड ये क्या करता है, ये स्टमक की मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। वेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड VIP। देन एंटेरोगेस्ट्रोन, एंटेरोगेस्ट्रोन क्या करता है, इट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंटेरोगेस्ट्रोन याद रखना क्या करता है, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ GIT। सो वी हैव थ्रू विथ गैस्ट्रिन, इट गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन करवाता है। कोलेसिस्टोक्राइनिन क्या करता है, गॉल ब्लैडर से रिलीज करवाता है बाइल जूस को। सिक्रीटिन क्या करता है, ये वाटर और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करवाता है। पैनक्रिया से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है, इनहिबिशन करता है गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन का और गैस्ट्रिक मूवमेंट्स का। और डियोक्राइनिन क्या करता है, डियोक्राइन ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करने के लिए। एंटेरोक्राइनिन क्या करता है, एंटेरोक्राइनिन पैनी सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो एंजाइमेटिक पार्ट सिक्रीट करें इंटेस्टिनल जूस का। देन विलिकाइनिन क्या करता है, विलिकाइनिन स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द विलाई। एंड वेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड क्या करता है, इट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ स्टमक। एंड एंटेरोगेस्ट्रोन क्या करता है, एंटेरोगेस्ट्रोन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ GIT। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।